हेलो गाइस, वेलकम टू द यम कोडर ट्यूब। गाइस, 2024 के लिए भी सीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है। क्या क्या न्यू चेंजेस होने वाले हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, अगस्त 23 में दो एपीसी मेंबर्स का लाइव डिस्कशन हुआ था, जिसमें उन लोगों ने जो भी एपीसी एग्ज़ाम्स में न्यू चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में वो लोग डिस्कस किए थे। ओके, और वो दो लोग थे एपीसी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर रेमेरी जिमेनेज एंड जेसी किप्रियोस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस सीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न कैसे था। ओके, सो प्रीवियस 100 क्वेश्चन इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 रहते थे और 100 मार्क्स के लिए, और ये 100 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने पड़ते थे 4 आवर्स में। ओके, सो टाइम पीरियड था 4 आवर्स। ओके, और ये एग्ज़ाम पास करने के लिए 70% पासिंग थी। ओके, और ये था मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि 2024 के लिए क्या चेंजेस हो गए। ओके गाइस, 2024 के लिए मेन चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं ये हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट मेजर चेंज ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते थे ना, उसमें 5 to 10 फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस ऐड होने वाले हैं। जी हाँ, जो भी 100 क्वेश्चंस रहते थे मल्टीपल चॉइस, उसी में 5 to 10 फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे 2024 में। ओके, सो उनका स्टेटमेंट क्या था, इन 2024 यू विल सी द इंक्लूजन्स ऑफ फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस, बट इट विल बी हाइब्रिड विथ मल्टीपल चॉइस। ओके, यू विल सी दिस रिफ्लेक्टेड इन प्रैक्टिस एग्जाम्स एंड स्टडी गाइड्स एज वेल। ओके, सो इस टाइप का उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया था। सो ये चांसेस है कि 2024 से फिलिंग द ब्लैंक वाला भी आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक नोट पैड एंड ई बुक्स। ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग, मार्किंग ऑफ फिजिकल बुक्स इज अलाउड। ओके, फर्स्ट पॉइंट है उसका, मार्किंग ऑफ द फिजिकल बुक्स इज अलाउड, बट एपीसी इज ट्राइंग टू मेक मोस्ट ऑफ द कोडिंग मटेरियल्स अवेलेबल विद इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम डिलीवरी। दैट्स वाई द इलेक्ट्रॉनिक नोट पैड वॉज एडिड इन द लिव ऑफ यूजिंग स्क्रैच पेपर। ओके, सो दे आर trying to add electronic format. Using a scratch pad during the live remote proctored exam is not allowed because the APC has no control over what happens to that paper once the exam is over. Unfortunately, we have to consider exam integrity since not everyone has the same good intention. We have to make sure exam content is not leaving the test encounter. That is the major reason why we have included some of the audit tools, PDFs of some of the resources people need inside the electronic test platform to limit what would need to be used on the desk space. Currently, beta testing of ebooks, electronic code books inside of the exam is underway. Okay, so eventually examinees will have the choice of using an e-books or printed books. Just like with printed book, you can add notes to e-books, tab pages and highlights text. Okay, so in second statement they are saying marking of physical books is allowed and examinees will have the choice of using e-book or प्रिंटेड बुक। ओके ओके फ्रेंड्स, सो ये सभी जो अपडेट्स है, जो चेंजेस है, सो 2024 से स्टार्ट होने के चांसेस है। अभी इसके रिलेटेड ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें ये सभी क्वेश्चंस
के आंसर देंगे। ओके, हाउ टू स्टडी फॉर द सी पी सी एग्ज़ाम आउटलाइंस क्या क्या है, चैप्टर वाइज पूरा, यानी कौन कौन से टॉपिक्स मेन है जो सी पी सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। ओके, सी पी सी एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्या है, इज़ द सी पी सी एग्ज़ाम राइट फॉर मी, सी पी सी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हाउ द सी पी सी एग्ज़ाम इज स्कोर, स्ट्रैटेजी फॉर द सी पी सी एग्ज़ाम प्रैक्टिस, हाउ डू आई शेड्यूल फॉर एन एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।